Hey guys, so in this video we will discuss a detailed about the plate tectonics and its, and its types. So I think before starting this video, we have to discuss some important questions which are asked in the IIT jam in the previous years so that we can get the idea about how is the mindset of the examiner and we can answer these questions. So that uh, first of all, before starting the video, we should go through with the questions.

इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड देन उसका आंसर कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर वन के साथ ठीक है है कि का आंसर ए बी सी डी जो भी आपका ऑप्शन इज क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इन विच ही आस्क अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक सेटिंग्स आर द हाइएस्ट माउंटेन चेन्स हाइएस्ट माउंटेन चेन्स और थिकेस्ट क्रस्ट किस में पाई जाती है आईलैंड आर्क कॉन्टिनेंटल कोलिजन कॉन्टिनेंटल आर्क ट्रांसकरेंट थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोशिएट विद द डाइवर्जेंट पेट बाउंड्री के साथ कौन एसोसिएट है रिज ट्रेंच आईलैंड ओके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डाल दो दोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोशिएट विद द ओशनिक सबडक्शन ऑप्शन आर सी माउंट बेन्यूफ जोन बैक आर्क फोर आर्क क्वेश्चन नंबर फाइव

क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन ए ट्रेंच इज फाउंड एट ए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म फोल्ट पैसिव मार्जिन सो दीज आर सम क्वेश्चन विच आर आस्ड इन द प्रीवियस ईयर सो प्लीज इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में डाल दो अभी के अभी ताकि हम अगर आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है सो लेट अस स्टार्ट द सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स ओके तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर पहले प्लेट समझते हैं तो प्लेट क्या है बेसिकली प्लेट वही है जो हमारे एक लिथोस्फियर है लिथोस्फियर इज प्लेट या फिर वी कैन से लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर सिंपली प्लेट कुछ भी नया नहीं, नहीं है एंड व्हाट इज लिथोसफियर लिथोस्फियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल व्हाट इज पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल इसे हमारा लिथोस्फियर बन गया एंड लिथोस्फियर ही हमारा प्लेट है कुछ भी नया नहीं, नहीं है अब हमें पता है कि किसी रीजन से रीजन बाद में देखेंगे किसी रीजन से जो प्लेट्स हैं वो ब्रेकअप हो चुकी हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ओके okay, और वो सब के सब एक कंटिन्यूअल मोशन में है एंड ये जो प्लेट्स है हमारा जो लिथोस्फेयर है वो अर्थ का आउटर रिजिड शेल है क्योंकि उसके अंदर तो मेल्टल मेंटल है और मेंटल के अंदर क्या है जो मेंटल हमारा है हमारा वो थोड़ा सेमी मोल्टन फॉर्म है ओके okay, ये फिर कई मोल्टन फॉर्म है एंड अगर थिकनेस की बात करें थिकनेस इसकी 100 टू uh, 150 किलोमीटर थिक है साइज वेरिएबल हो सकता है मैं अगर हम ओवरऑल देखें तो नियरली 20 क्रिस्टल प्लेट्स हैं जिसमें से मेन सेवन है अब सेवन कौन सी से हैं भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट एक उसके अमेरिकन के लेफ्ट साइड में पैसिफिक प्लेट और राइट right साइड में अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट जो इंडिया वाली मतलब जो ऊपर है ऑस्ट्रेलियन प्लेट राइट साइड में नीचे मैप के अंदर और नीचे ही हमारी अंटार्कटिक प्लेट होती है लोकेशन को आप याद कर लो मेन प्लेट्स हमारी कौन सी हैं सेवन है ठीक है इंटरमीडिएट हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं जैसे कैरेबियन नाजका फिलिपिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अरेबियन कोकोज लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन एडिशन ओवर ए डजन प्लेट्स भी हैं ठीक है तो इतनी कोई खास बात नहीं है और जो प्लेट है हमारी हमेशा वो कंटिन्यूस मोशन में होती है हमेशा नियरली अगर देखे तो फाइव सेंटीमीटर इन ईयर या फिर पर ईयर इसका रेट ऑफ मूवमेंट है ओके अब होट मटेरियल मेंटल से ऊपर आता है एज वी ऑल नो जो एक कन्वेक्शन सिस्टम जनरेट करता है इंदा जब वो ऊपर आता है तो ऊपर से वो उसको मूव करवा देता है टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट साइड जो ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है ठीक है मेंटल से मटेरियल आ रहा है जो ऊपर वाली प्लेट्स को मूव करवा रहा है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन अब कन्वेक्शन कुछ भी नहीं है सिंपली जो हमारे घरों में पानी गर्म होता है अगर हम ये समझें कि एक बकेट है एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसमें गर्म रोड डाल दी या फिर रोड डाल दी जो इसको गर्म कर रही है ठीक है अब रोड क्या करेगी सबसे पहले उसकी जो पोर्शन है उसके सारा पोर्शन गर्म कर देगी नीचे वाला ठीक है फिर वो पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि गर्म होकर पानी की डेंसिटी कम हो जाती है देन वो वाटर क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा अगर उप, नीचे वाला पानी ऊपर आ गया तो ऊपर वाला ठंडा पानी कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा दिस प्रोसेस इज कन्वेक्शन और यही हमारा मेंटल के केस में या फिर लिथोस्फीयर के केस में हो रहा है तो एक कन्वेक्शन सिस्टम जनरेट हो गया कूलर जो डेंसर स्लैब्स हैं लिथोस्फीयर की वो मेंटल की तरफ आ जाएंगी सेटिंग द अर्थ रिजिड आउटर शेल जो कि इसको मोशन के अंदर बना के रखेंगी ठीक है और जब भी हमारी जो प्लेट्स मूवमेंट होती है तो वहां पे कुछ चीजें बड़ी कॉमन है जैसे नंबर वन अर्थक्वेक नंबर टू वोल्केनोस ये तो हमको पक्का मिलेंगे जहाँ जहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है वोकैनोज एंड अर्थक्वेक की सबसे मोस्ट प्रेफरेबल लोकेशन ये दोनों यहाँ पे होंगी मतलब जहाँ जहाँ पे मतलब अगर कोई बोले कि यहाँ प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है तो साइंटिस्ट जो होंगे स्पेसिफली क्या आप प्रडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स कॉमनली आते रहते हैं और वोल्केनो एक्टिविटी होती रहती है ठीक है और साथ में डिफॉर्म लार्ज मासस ऑफ रॉक इनटू माउंटेन्स क्योंकि जब प्लेट और प्लेट्स की कोलिजन होती है तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है एज इन द केस ऑफ हिमालयस हिमालयस में तो यही हो रहा है ना कि दोनों प्लेट और हिमालयास के अंदर ही हमारे बहुत सारे फॉल्ट देखने को मिलते हैं और वी कैन से अर्थक्वेक्स क्योंकि झटके आते हैं क्योंकि हम लोग जब फोल्ट को पढ़ते हैं और अर्थक्वेक को पढ़ते हैं दिज आर वेरी सिमिलर टाइप ऑफ थिंग क्योंकि जब प्लेट मूव करती हैं आपस में जब प्लेट में झटका लगता है दैट इज कॉजिंग द अर्थक्वेक तो आपस में सिनोनिम्स सोनोनियम्स की तरह भी कई बार हम उसको यूज कर लेते हैं ओके फाइन इजी तो दीज आर शोइंग सम अवर मेजर प्लेट्स देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और ये माइनर uh, प्लेट है कोकोज प्लेट दिखा रखी है और हमारी अफ्रीकन प्लेट मेजर है यूरेशियन प्लेट मेजर है एंड देन पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट हो गया ठीक है देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया फिर ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट हो गया ये हमारे कुछ मेन प्लेट्स हैं सेवन इस पर सवाल बन सकता है कि कितनी प्लेट्स हैं ओके तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी मतलब थ्योरीज वगैरह दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे प्लेट इक्ट्रॉनिक्स थ्योरी इस कॉन्सेप्ट ऑफ सीज फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में उसने दिया कुछ वाइन मैथ्यूज ने कुछ बताया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यू कैन जस्ट रीड इट ओके फाइन देन हम पढ़ते हैं अभी प्लेट बाउंड्रीज अब अस इमेजिन ए प्लेट ओके ओके वी हैव ऑलरेडी प्लेट दीज आर सम्रंस है जैसे मान लो हमने ये प्लेट चूज कर ली ठीक है जो इसका आउटर साइड है कोई भी प्लेट की वो क्या होगी उसकी बाउंड्री होगी बस यही है प्लेट बाउंड्री अब वो प्लेट बाउंड्री बेसिकली तीन तरीके की हो सकती है लेकिन थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं अब इसने कहा कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या सिंपल प्लेट्स हैं उनके बीच में एक कोहोरेंट होता है कोहोरेंट यूनिट्स हैं ये मतलब आपस में एक तालमेल रहता है सबके अंदर ठीक है ऑल इंटीरियर ऑफ़ द प्लेट के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो सकती है लेकिन ऑटोमै सब अंदर एक तालमेल बना हुआ है जैसे कई बार डिफॉर्मेशन हो जाता है बीच में तो इट्स ओके और ऑल द मेजर जितनी भी हमारे इंट्रैक्शनस हैं जितने भी हमारे पास हमें मेजर फीचर्स देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल प्लेट्स के अंदर वो कहाँ होता है अलोंग द बाउंड्रीज बाउंड्रीज भी होगा लेकिन मतलब इसने यही कहा है कि प्लेट्स के जो इंटीरियर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है जो मेजर हमें सिग्निफिकेंट चीजें देखने को मिलेंगी जो फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे वो सब कहां पे देखेंगे बाउंड्रीज पे देखेंगे दैट इज द प्लेट की जो बाउंड्री है ओके वॉट एवर जो उसकी आउटर साइड है ओके okay, फाइन तो तीन तरीके की बाउंड्री हो सकती है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल है ठीक है तो डाइवर्जेंट के अंदर क्या होगा जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी अब जब प्लेट्स दूर जाएंगी जब प्लेट्स दूर जाएंगी तो क्या मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डी प्रेशर होगा प्रेशर हट जाएगा कि नीचे से मौका मिल जाएगा मैग्मा को अपवेलिंग होने का ऊपर आएगा एंड देन फॉर्मिंग द सी फ्लोर तो सी फ्लोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और जनरली ओशंस के अंदर होता है देन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होता है जब अब नाम से पता चल रहा है कि कन्वर्ज करेंगी दो तो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं मूव टुगेदर रिजल्टिंग सबडक्शन यहां से क्या होगी सबडक्शन होगी ठीक है अब पूछेंगे सबडक्शन कहाँ हो रही है डाइवर्जेंट बोल देंगे कन्वर्जेंट बोल देंगे ट्रांसफॉर्म बोल देंगे तो बोलेंगे सबडक्शन दो भाई कन्वर्जेंट के अंदर होती है अब सबडक्शन में क्या होता है दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं एक प्लेट नीचे आ जाएगी जनरली जो ओशनिक इकली है वो नीचे आ जाती है दो कॉन्टिनेंट अच्छा, का collision हो रहा है, तो पहले भी हमने बहुत बार बात करी है तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है थर्ड नंबर पे जब दोनों प्लेट एक दूसरे को स्लाइड पास करती है या फिर कहीं तो ग्राइंड पास अदर इंपॉर्टेंट क्या है अब विदाउट प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिथोस्फेयर यहां मैग्मा का कोई संबंध नहीं है यहां पे जस्ट एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर रही है मतलब नो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिथोस्फियर यहाँ पे सवाल आता है अभी हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास दो प्लेट्स सेपरेट कर रही हैं यहाँ पे दो प्लेट्स पास आ रही हैं एज वी कैन इजिली सी एंड यहां पे स्लाइड पास्ट कर रही हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी बात देन जो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डाइवर्जेंट में क्या होगा मोशन जो होगा वो स्प्रेडिंग होगा ऑब्बियसली दूर जा रहा है कन्वर्जेंट में सबडक्शन होगा ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होगी दिख रहा है डायग्राम के अंदर नो प्रॉब्लम अफेक्ट क्या होगा कंस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है कुछ बन रहा है ओशनिक फ्लोर बन रहा है लेकिन कन्वर्जेंट के अंदर तो एक प्लेट मेंटल के टुवर्ड्स जा रही है जिससे वो खत्म हो रही है तो वी कैन वी कैन इजीली से देयर इज अ डिस्ट्रक्शन इसमें कंफ्यूजन होती है कन्वर्जेंट में लोग कंस्ट्रक्टिव लगा देते हैं गलत है ये हम तो कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं ना कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें देन जो आ, ट्रांसफॉर्मर उसको बोलते कंजर्वेटिव कि उसने अपने आप को कंजर्व रखा है देर आर नो चेंजेस देर इज नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन अब टोपोग्राफी मतलब कि किस तरीके कहाँ पे टोपोग्राफी होगी रिज बनेगी या रिफ्टिंग होगी कन्वर्जेंट के अंदर ट्रेंच बनेगी ये सब हम देखेंगे डायग्रामेटिकली देखेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे डोंट वरी अबाउट दैट नो मेजर इफेक्ट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है उसके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी खुद गैस करो डाइवर्जेंट के अंदर मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है यस कन्वर्जेंट के अंदर दोनों टकरा रही हैं मैग्मा आ रहा है यस इसमें मैग्मा का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिंपल यहाँ पे स्लाइड पास्ट कर रहा है आई होप ये आप लोग समझ रहे हो इस बात को तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है तीन मेजर प्लेट बाउंड्रीज ठीक है उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन उससे पहले हमने पढ़ा सेवन मेजर प्लेट्स के कैसे वो डिवाइडेड uh, है ठीक है एंड देन हमने उससे पहले पढ़ा प्लेट एक्ट्रॉनिक सिंपली के प्लेट क्या है ओके okay. नाउ अब हम क्या करेंगे इंडिविजुअली सबको पढ़ेंगे लेट स्टार्ट विद द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ओके अब डाइवर्जेंट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और वी कैन से पुल अपार्ट एंड जनरली कहाँ देखने को मिलता है ये अलोंग द ओशनिक रिज जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज उसको हम देखेंगे डिटेल में भी नो वरीज देन अगर दो प्लेट आपस में सेपरेट कर जाएंगी सेपरेट कर जाएंगी तो क्या यहाँ पे डीप प्रेशर हो जाएगा देन मैग्मा ऊपर आ जाएगा नो प्रॉब्लम एंड देन फिर क्या होगा जिसको हम बोल रहे हैं मोल्टन रॉक इट इज रॉक बट मोल्टन रॉक ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे दैट वेल्स अप जो ऊपर आ जाएगा फ्रॉम कहा से से लिथोस्फेयर के नीचे क्या होता है एस्थिनोस्फियर होता है एस्थिनोस्फेयर से आ गया फिर वो होट मटीरियल जो होगा ऊपर आके सॉलिड हो जाएगा देन इट फॉर्म द सी फ्लोर एंड जो हमारे ओशियंस के जितने भी मैक्सिमम सी फ्लोर्स हैं वो इसी प्रोसेस के साथ बनते हैं फाइन देन ये मिलियंस ऑफ इयर्स तक चलता रहता है कंटिन्यूसली अगेन एंड एंड अगेन अगेन जिससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक का न्यू सी फ्लोर बन जाता है फॉर एग्जाम्पल बात करें अटलांटिक ओशन की तो इसका पास्ट 160 मिलियन ईयर के अंदर इसका अटलांटिक ओशन का सी फ्लोर बना है जिसको हम कई बार बोल देते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्योंकि बेसिकली बन तो रहा है ये डाइवर्जेंट और और कैन से स्प्रेडिंग तो हो रही है और क्या हो रहा है तो सी फ्लोर की स्प्रेडिंग एक डोमिनेट प्रोसेस है किसके अंदर डाइवर्जेंट के अंदर सवाल आएगा कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में मोस्ट कॉमन चीज क्या होगी सी फ्लोर की स्प्रेडिंग और कई बार उस लोकेशन को या फिर उस जोन को हम लोग क्या बोल देते हैं स्प्रेडिंग सेंटर्स अब बोलेंगे कि यार कितना फास्ट चल रहा है तो कोई फिक्स नहीं है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और वी कैन से सेंटर टू सेंटर फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ एटलांटिक है वो ढाई सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रहा है बट जो ईस्ट पैसिफिक है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर तक जा सकता है पर ईयर ठीक है तो वैसे तो अपने आप में इनके लिए तो ये मोस्ट रैपिड है लेकिन अगर ह्यूमन की हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो बहुत स्लो है ओके okay? तो ये स्लोएस्ट रेट जो है जिसको हम स्लोएस्ट बोल रहे हैं हालांकि नहीं है जो स्लोएस्ट रेट है ये काफी है टू फॉर्म द ऑल ऑफ द अर्थ ओशियन बेसेंस बनाने के लिए जितने भी हमारे अर्थ के ओशियन बेसेंस बने हैं ये पास्ट 200 मिलियन साल के अंदर जो हमें प्रेजेंटली दिख रहे हैं जो रहे हैं वो पास्ट 200 मिलियन ईयर्स के हैं ठीक है अब फैक्ट क्या आया? द फैक्ट इज दैट नोन नन ओशन फ्लोर भी ओशन फ्लोर की जो डेट है वो 180 मिलियन ईयर एगो नहीं है अगर मैं आपको कहूं मैक्सिमम एज ऑफ द ओशन फ्लोर इज 250 मिलियन ईयर्स देन इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि 180 या फिर 200 तक मैक्सिमम जा सकता है इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो सवाल उठता है क्यों क्योंकि अभी जो अगला डायग्राम है उसको देखते ही समझ जाएंगे हम लोग वेरी इजी है ये बहुत इंटरेस्टिंग अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करो कमेंट करो ठीक है अस अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल कि जब जो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं जहां से मैग्मा इमर्ज कर रहे हैं नो प्रॉब्लम तो वहां से क्या लिथोस्फीयर इमर्ज नहीं करेगी एलिवेट नहीं करेगी जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा मोल्टन मैग्मा जिसको हम बोल रहे हैं फिर मोल्टन रॉक जिसको बोल रहे हैं वो हॉट है जो चीज हॉट होती है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए वो काफी ऊपर उठ जाते हैं यू कैन सी इन द डायग्राम कि वो देखो बेसिक लेवल से वो ऊपर उठ चुका है दिस इज राइज ठीक है क्योंकि वो उसकी डेंसिटी कम हो गई है इन सिंपल देन एज कंपेयर टू द कूलर रॉक्स और कूलर रॉक्स कहां होंगे अवे फ्रॉम द रिज अवे फ्रॉम द जो हमारे पास क्या होंगे कूलर रॉक्स होंगे जो ये वाला रीजन है ये वाला रीजन है जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ज्यादा हमें कूलर रॉक्स मिलेंगी. फाइन अब जैसे हमारा बेसिकली ओशन फ्लोर बन रहा है और कैन से ओशनिक क्रस्ट बन रही है या फिर कहें न्यू लिथोस्फीयर की फॉर्मेशन हो रही है अलोंग द ओशनिक रिज इट स्लोली गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द जोन ऑफ अपवेलिंग या फिर कहें जो जो रिज एक्सिस है उससे जो हमारी डिस्प्लेस करती रहेगी क्यों करती रहेगी क्योंकि जो नया मैग्मा आ रहा है वो तो उसको पुश कर रहा है ना कि मूव 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 ऑन ऑन हाँ भाई आ रहा है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो ठीक है वो उसको पुश कर रहे है आगे 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 से आगे से इसको। ठीक इजी इट स्लोली गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द जोन ऑफ अपवेलिंग अपवेलिंग हम समझ रहे हैं ना कि जो रिज एक्सिस है उसके पास से वो जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना तो वो डिस्प्लेस हो रहा है दर्ज इट बिगिन टू कूल जितना जैसे जैसे दूर जाता रहेगा वैसे वैसे वो कूल करता रहेगा ऑब्वियसली और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा एंड साथ में उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी अब ऑब्वियसली जो कूलर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी ज्यादा ही होगी ना लेकिन जो हमारा जो हॉट होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम ज्यादा होगा इजी दिस थर्मल कॉन्ट्रैक्शन अब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी ग्रेट ओशन डेप्थ है या फिर कहें कि जितना ज़्यादा हम लोग रिज से अवे होंगे दूर होंगे रिज से जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा क्या हमें ओल्डर मिलेगी या कहीं कोल्डर ओशनिक क्रस्ट मिलेगी क्योंकि वो सबसे दूर है वो ठंडी हो चुकी है एंड ठंडी होगी तो क्या उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी अगर उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी क्या वो उसकी जो डेप्थ होगी क्या वो इंक्रीज कर जाएगी तो सिंपली हम लोग कह है सकते हैं कि जो कूलिंग है वो कॉजेज द मेंटल रॉक्स बिलो द ओशनिक क्रस्ट क्या ओवरऑल रॉक्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही देर बाई एडिंग टू द प्लेट क्या प्लेट की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो जाएगी इससे ठीक है कूलिंग की वजह से क्योंकि ओशनिक क्रस्ट के नीचे ही तो हमारी मेंटल रॉक्स हैं अगर ऊपर ओशनिक क्रस्ट की स्ट्रेंथनिंग हो रही है या हम कहें डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या उसके नीचे मेंटल की रॉक्स की भी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी और ऊपर से लेके नीचे तक क्या प्लेट की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही इज इट ओके ओके फाइन अगर हम लोग सिंपली कहें इन अदर वर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ओशनिक लिथोस्फियर इज एज डिपेंडेंट एज के ऊपर डिपेंडेंट है अब कैसे पहले डायग्राम देखो जितना ज्यादा हम लोग मिड ओशनिक रिज से अवे जा रहे हैं क्या थिकनेस में इंक्रीमेंट आ रहा है द थिकनेस ऑफ द ओशनिक इ्लिथोस्फियर इज एज डिपेंडेंट इसका मतलब जितना ज्यादा यंगर होगा उतना थिनर होगा या फिर जितना ज्यादा ओल्डर या कोल्डर होगा उतनी ही इसकी थिकनेस ज्यादा होगी एज वी कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम एंड अब ये रेडी है सबडक्शन होने के लिए कॉन्सेप्ट आएगा ठीक है मैं अभी मैंने आपसे एक बात पूछी थी यहाँ पे कि 180 कि 180 मिलियन ईयर से ज्यादा पुरानी क्यों नहीं हो सकता ओशन फ्लोर क्योंकि क्योंकि चलो यहाँ से बना इज़ इट फर्स्ट चलो मान लो हमारे यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट बननी स्टार्ट हो गई है नो प्रॉब्लम यहाँ बना यहाँ पे एक मिलियन की है यहाँ पे ऑब्वियसली दो मिलियन तीन मिलियन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम वन एट्टी मिलियन है एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं जी ठीक है ये दिया. देन अगर यहाँ तक हम लोगों ने रजूम कर लिया कि ये वन एटी तक है तो क्योंकि अब जो उसका ये वाला रीज़न है वो सबडक्शन कर जाएगा मतलब जब सबडक्शन होती है तब हमने क्या पढ़ा था सबडक्शन के अंदर क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है किसका डिस्ट्रक्शन ओशनिक निकली तो जब वो मतलब ये समझ लो कि 180 मिलियन uh, ईयर उसके बुढ़ापा आ गया है देन उसको एंड होना है ठीक है अब यहाँ पे हम लोग इन डायग्राम से भी इस चीज को समझ सकते हैं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ये ए मान लो दो प्लेट सेपरेट कर रही है हमने समझ लिया ठीक है देन ये प्लेट यहाँ पे मैक्सिमम ओल्डर होगी मैक्सिमम यंगर यहां पे होगी मैक्सिमम यंगर यहां पे होगी मैक्सिमम ओल्डर यहाँ पे होगी हो एक बार के लिए इस प्लेट को छोड़ दो एंड दिस प्लेट ए प्लेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिज इज इट ओके देन मान लो ये प्लेट हमारी यही प्लेट है ये ए है अब एट द एक्सट्रीम जो हमारा ये पॉइंट था ये क्या करेगा आ, किसी भी और ओशनिक या फिर कॉन्टीनेंटल प्लेट से किसी से भी हमारे इंटरेस्ट उसमें नहीं है वो कैसे टकरा रहा है हाँ कॉन्टीनेंटल प्लेट मान लो इसको कॉन्टीनेंटल क्रस्ट है इससे जाके टकराया देन ओशनिक जो हमारी क्रस्ट है ये ओशनिक क्रस्ट ही तो है ओशनिक क्रस्ट ही तो है तो ये क्या कर जाएगी सबडक्ट कर जाएगी सबडक्ट में क्या होता है डिस्ट्रक्शन होगा इट विल मेल्ट देर ओके फाइन लेटर्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम सो हेयर वी कैन सी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंटिन्यूसली अफेक्टेड बाय द अपवेलिंग अब ये कहाँ से हो रहा है मेंटल से ठीक है अब मेंटल से क्या कर रहा है मैग्मा इसको पुश कर रहा है जिसकी वजह से हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्रेक करना या कहीं तो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगी ठीक है तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकिंग हो जाएगी लार्ज मास बन जाएंगे किसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के तो एक यहाँ पे देखे तो हम लोग एक वैली बन जाएगी ओके अगर इसको डायग्रामेटिकल देखें तो एक वी शेप वैली बन जाएगी जिसको हम बोल देंगे कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली फाइन वी शेप वैली ओके देन पैलिंक तो हो ही रही है देन हमारे पास क्या बन जाएगा एक सी बन जाएगा जिसको हम बोल लेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रेड सी है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन वट वेयर इज रेड सी इफ नॉट देन गो थ्रू विद विद दैट वीडियो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो जो लीनियर सी है हमारा कोई भी सी बन जाएगा यहाँ पे सिंपली देन फर्दर क्या होगा इसकी ब्रेकिंग होती रहेगी एंड दे ऑल्सो पुल अ पार्ट एंड देन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ओशियन बेसिन देन इन द कमिंग टाइम देर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिज जहाँ से हमारे पास ये राइज कर जाएगी एंड यहाँ से मैगमा का बाहर आना होगा ऑब्वियसली ये सब प्रोसेस चलता रहेगा देन कंटिन्यूसली हम लोग टाइम के साथ साथ ए बी सी तीनों स्टेप की तरफ मतलब जो अर्थ का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा ठीक है